पूरे हिंदुस्तान के अंदर टोल फ्री करने का आज बीड़ा उठाया है। इसी कड़ी में हम यहाँ भगवानपुर के अंदर टोल प्लाजा पर मौजूद हैं, जहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल बेदी जी भी मौजूद हैं। मैं दरख्वास्त करूँगा राहुल बेदी जी से कि वो आए और दिशा निर्देश दें कि आगे हमें क्या करना है। दोस्तों, राहुल बेदी जी, जय जवान जय किसान। भारतीय किसान यूनियन बेदी का परिवार सभी टोलों पर बैठा हुआ है और मैं खुद सभी टोलों पर जाकर दौरा करूंगा और इसके बाद अब हम खरसावा टोल पर पहुंचेंगे, वहां जाकर टोल फ्री कराएंगे। यह कोई समय नहीं रहा, भ्रष्टाचार तो हमारे साथ सभी सरकारें करती है और ये मोहम्मद हुसैन जी हमारे बता चुके हैं। ये रंगों की सरकार ने कुछ हद ही कर दी हमारे साथ। 14 तारीख को हमें भाजपा के विधायक एमपी सबका बायकॉट करना है, इन्हें अपने गांव में नहीं घुसने देना है। अब इस लड़ाई को किसी को भगत सिंह बनने पड़ेगा और मुझे चंद्रशेखर आजाद बनना पड़ेगा। लड़ाई तभी जीती जाएगी। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। मैं अपने किसान भाइयों के नौजवानों को भी कह देना चाहता हूँ, इस लड़ाई में किसान एकता जो आंदोलन बना हुआ है, इस एकता को इस तरह से हमें दिखाना है कि ये लड़ाई आने वाली सरकारें भी ध्यान रखे और सोच समझ कर हमारे साथ भ्रष्टाचार करने का काम करे। तो मेरे भाइयों, मैं अपनी भाई को ये भी सलाम देते कहना चाहूंगा कि अब हमें डरने की जरूरत नहीं और अब वो समय आ चुका है कि हम लोगों को अपने अंदर कायरता और अपने अंदर जागरूकता लाने की जरूरत है। तो मेरे भाइयों, यह किसान एकता आंदोलन है, सभी भाई एक हो जाओ और इस लड़ाई को मिलजुल कर लड़ो और हमें किसी पार्टी की जरूरत नहीं है। जो हमारे 2.5 करोड़ किसान सारे संगठनों के दिल्ली के अंदर पड़े हैं, उनके आह्वान पर आज हिंदुस्तान का टोल फ्री का प्रोग्राम है। अभी इससे पहले हम भगवानपुर के टोल पे थे, सारे टोल किसानों ने फ्री करा दिए। आज अब हम यहाँ इस टोल पे हैं, इस पर देख कर हमें बड़ी खुशी हुई कि हमारे किसान भाई सारे दरी बिछाओ बैठे। अगर इस तरीके से सारे किसान इस तरीके से अगर सड़कों पर आ जाएंगे तो चाहे मोदी हो और चाहे योगी हो, सारे आपके टिकने का नहीं दोस्तों, क्योंकि अभी मेरे से पहले मेरे बड़े भाई बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि बैलेट पेपर आपके हाथ में। लेकिन अफसोस की बात यह है, आप लोगों ने टीवी के माध्यम से देखा होगा कि जरा से 2-4 पत्थर कार बन गए बंगाल के अंदर तो मोदी जी ने फोन करके पूछ लिया। ये 2.5 करोड़ किसान और पूरे देश के अंदर किसान सड़कों पर है, लेकिन मोदी जी की जबान से आज तक एक हरूप नहीं निकला और किसी से मिलना भी गवारा नहीं किया मोदी जी ने। इस मंच के माध्यम से इन किसानों की तरफ से हम ये कहना चाहते हैं कि मोदी जी आंख खोल लो, ये जनता जनार्दन है, ये जनता ही बिठाती है और जनता ही लुटाती है। इससे बंगला लेके आप बचने वाले नहीं है। आज योगी जी ने 8 तारीख को भी और आज भी अपनी शक्ति का पूरा प्रदर्शन कर रहे हैं माननीय योगी जी भी। मैं योगी जी से भी कहना चाहता हूँ कि ये किसान है और किसान के बेटे हैं और जब हिंदुस्तान का संविधान बना उस संविधान के अंदर किसान और जवान को बराबर का दर्जा दिया था, फिर आज दोगला व्यवहार क्यों? जवान के लिए तो हम सब खड़े हैं, लेकिन किसान की दुर्दशा इसे कौन दूर करेगा? किसान के कानून पास करते हैं और किसान को पूछते भी नहीं। अगर किसान आपत्ति करते हैं तो उसमें आप लोगों के कान पर चू नहीं रेंगती, लेकिन इस बार मोदी जी एक बार कान खोल कर सुन लो, ये हिंदुस्तान का किसान सड़कों पर आ गया है और इसके अंदर आप हिंदू मुस्लिम भी नहीं कर सकते। मैं मोहम्मद हुसैन जिलानी
किसान यूनियन बेदी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। यहाँ हिंदू मुसलमान सारे मेरे भाई मौजूद हैं। ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का आंदोलन है और ये आंदोलन मेरे दोस्त और बुजुर्गों ऐसा बनाना है जैसा अंग्रेजों के खिलाफ बनाया था। जिस तरीके से हिंदू मुसलमान ने अंग्रेजों को मिलकर भगाने का काम किया, इसी तरह आप सब लोगों को मिलकर इन लड़ंडों को भगाना पड़ेगा। इनके बीवी बच्चे नहीं है दोस्तों, आपको इन्हें भगाना पड़ेगा। और वही आंदोलन जो अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था, वही आंदोलन ये दोबारा हमें करना पड़ेगा। अफसोस की बात है कि 2014 से लेकर और आज 6.5 साल हो गए, इस हिंदुस्तान की जनता को मोदी जी ने लाइन में ही लगा रखा दोस्तों, सड़कों पर ही खड़ा कर रखा। चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे GST हो, चाहे आधार कार्ड हो, मतलब जनता 6.5 साल तक सड़कों पर है। और देश यहाँ अगर खड़ा था तो जमीन उतार दिया, हर चीज बेच दी, ये जमीन ना बच रही थी हिंदुस्तान के किसानों की, इन्हें भी बेच दी अंबानी अडानी को। तो दोस्तों, क्योंकि भाई कह रहे थे कि ज्यादा टाइम ना लेकर, मैं तो आप लोगों से यही अपील करनी चाहता हूँ कि जो आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ था, वही आंदोलन आज मोदी के खिलाफ पूरे देश में खड़ा हो गया है। और दोस्तों, उसके कान पर जू नहीं रेंग रही, अपने काम धंधे सब छोड़कर इस भारत सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करें। 14 तारीख का प्रोग्राम, ये जो हमारे विधायक और मंत्री भारतीय जनता पार्टी के हमारे वोटों से बने हुए हैं, उनके घरों के घेराव होंगे, उनका बाइकाट होगा। अपने गांव के अंदर बोर्ड लगा दो कि भाजपा की एंट्री बंद, उस विधायक की एंट्री बंद, अपने गांव के अंदर मत घुसने दो। हम भी देखते हैं ये सरकार कैसे चलती है दोस्तों। तो दोस्तों, एक नारे के साथ अपनी बात खत्म करूंगा कि जय जवान जय किसान हमारा ये नारा है। और किसान एकता जिंदाबाद, एक शेर के साथ अपनी बात करूंगा कि मुत्तहिद होगे तो कहलाओगे गाजी गालिब, और मुंतशिर होगे तो किस्तों में सफाया होगा। दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद।